धरती पे नील गगन में भी तू, तू ही आधार, तू ही आधार। सत्संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत आप सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो मानवता इंसानियत की अहमियत को जानते हैं और जिस मानवता इंसानियत को कायम रखने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए जो योगदान दिए गए, उन योगदानों को आज श्रद्धा के साथ याद किया जा रहा है और उसी के लिए कितने कितने बलिदान और कुर्बानियाँ हुई, इसी मानवता इंसानियत को धर्म की असली पहचान बनाने के लिए। तो मानव एकता दिवस के अवसर पर जहाँ पर आप सभी अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं और इस दिन ये तारीख जो इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हो चुकी है, जिस तारीख बाबा गुरबचन सिंह जी ने जहाँ पर सारी उम्र एक इंसानियत और ह्यूमन वैल्यूज़ को हमेशा ही विशेषता दी और उसी के लिए अपना शरीर भी कुर्बान किया और साथ ही चाचा प्रताप सिंह जी ने भी इस तरह से अपना बलिदान दिया। और इसके अलावा इस दौर में जब अंधकार इतना छाया हुआ, जहाँ पर मुतसपन जो कि धर्म को हमेशा से धूमिल करता आया है, जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षाओं के बिल्कुल प्रतिकूल एक सोच रखी जाती है, संकीर्णताएं, तंग दिलियाँ, जिनसे ऊपर उठकर वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने पैगाम दिए फॉरगिवनेस और दया करुणा को जहां महत्व दिया और उन्हीं के नाम लेवा, उन्हीं के पैगामों को इस तरह से कतई अपने जीवन में स्थान ना देकर उससे उल्टा विपरीत सोच रखकर धर्म की असली मरम को ना जानने के कारण केवल क्रियाएं और रिचुअल्स तक अपने आप को सीमित रखते आए हैं युगों युगों से, उनसे हमेशा ही सत्य आँखों से ओझल रहा है। वो कभी भी सत्य की और उसकी पहचान कर ना पाए हैं, इसीलिए कहीं पर यातनाएं और जुल्म सितम किए गए हैं। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी किस तरह के ऐसे यातनाएं दी गईं, चाहे हज़रत ईसा मसीह जी के वो
सूली पे उनका जो दृश्य हम देखते हैं, गुरु साहिबानों को कैसी कैसी यातनाएं दी गईं, किस तरह से हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाने पे मजबूर किया गया और परिवार को प्यासे मारने की कोशिशें की गईं, कहाँ पर भक्त प्रहलाद को अपना ही पिता हिरण्यकश्यप मारने और मिटाने पे लगा हुआ है। तो इस तरह से ऐसी अज्ञानता के अंधकार में विचरण करने वाले, जिनका सत्य से सामना ना हुआ कभी, वो इसी तरह से धर्म को भी कलंकित करते आए हैं, पीरों पैगंबरों का भी नाम धूमिल करते आए हैं। तो महापुरुष संत जन, भक्त जन, जिन्होंने इस सत्य की पहचान की और फिर उन्हीं शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा, वही सच्ची पहचान बनाते चले गए धर्म की, यानी कि मानवता और इंसानियत वाला धर्म। तो आज भी मानव का जिक्र हो रहा है, मानव एकता का जिक्र हो रहा है, मानवता का जिक्र हो रहा है, इंसानियत का जिक्र हो रहा है, जिसमें हर किसी को प्रेरित किया जा रहा है कि एक मानव एकता का होना बहुत ज़रूरी है। इस धरती पे विचरण करने वाले तमाम लोग अगर एकता के भाव से जीते हैं, मिलवर्तन के भाव से जीते हैं, एक दूसरे के प्रति हित का भाव रखते हैं, एक दूसरे को अपना मानते हैं, जानते हैं, तो इस तरह की अवस्था और भावना से युक्त होकर जब इस जीवन के सफ़र को तय किया जाएगा, तो जीवन का सफ़र एक सुकून और चैन भरा होगा। क्योंकि प्यार और अपनेपन का जो भाव होता है, ये वास्तविकता में इसी के कारण हम सद्व्यवहार कर पाते हैं दूसरों के साथ, दूसरों से हम सुंदर ढंग से पेश आ पाते हैं। तो ये एक प्यार जो तमाम महापुरुषों संतों ने जीवन में इसको महत्वपूर्ण माना है और प्रभु का रूप भी प्यार के रूप में देखा है। जैसे वो अंग्रेज़ी में भी कहावत है, वी कैनॉट यूनाइट इन फेथ्स, लेट्स यूनाइट इन लव, कि अगर जिनको हम फेथ्स या बिलीव्स कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, जो हमें कभी भी यूनाइट नहीं होने देंगे और ना होने दिया है आज तक, ये दूरियां पैदा की रखी हैं, तो कहने वाला ये कह रहा है कि थोड़ी देर उन फेथ्स को एक तरफ रखो और प्यार को बीच में ले आओ, और प्यार बीच में आ जाएगा तो हम एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नफ़रतों के ही बोलबाले रहे हैं, और नफ़रतों के कारण ही गुरु पीर पैगंबरों के ऊपर और भक्तों के ऊपर जुल्म ढाए गए हैं, जिन्होंने कभी प्यार को हृदय में बसाया ही नहीं है, नफ़रत के अंगार जलते और जलाते आए हैं। तो वो वास्तविकता में कबीर जी के कहे अनुसार कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कि इतना इतना पढ़ लिया, इतने इतने और ढंग अपना लिए, लेकिन जो सही मायनों में एक भक्त होने की पहचान होती है, एक धर्मी होने की पहचान होती है, वो प्यार जो है वो देखने को नहीं मिलता। इस तरह से क्रूरताएं और कठोरता से युक्त होकर, वैर ईर्ष्या नफ़रत के भाव से युक्त होकर,
ये संसार में लोग विचरण करते आ रहे हैं और ये मान कर के हम धर्म का काम कर रहे हैं और वास्तविकता में ये नहीं जानते कि धर्म की कसौटी ही कुछ और है। अपनी ही कसौटियाँ बना बना कर अपने मन से और उसी कसौटी के ऊपर अपने आप को खरा बताने में लगातार लोग माहिर रहे हैं और अपने आप को साबित करने के लिए दूसरों की आवाज़ों को दबाने में भी लगे रहे हैं, ज़ुल्म व सितम करते आए हैं, भय देते आए हैं। इस तरह के ढंग लोगों ने अपनाए हैं, लेकिन कसौटी तो कसौटी है, वही जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने सामने रखी हैं, और उस कसौटी के ऊपर तो यही पहचान धर्मी होने की, मानव होने की रही हैं, और वो पहचाने हैं उन भावनाओं के रूप में, भावनाएं जो प्यार वाली हैं, भावनाएं जो क्षमाशीलता वाली हैं, भावनाएं जो एक दूसरे को अपनाने वाली हैं, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, ये अपनी गर्दने घुमा घुमा कर झूम झूम कर गाई तो जाती हैं, दिन रात गाई जाती हैं, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि किस तरह से पंक्तियाँ पढ़ी क्या जा रही हैं और उसी की धजियाँ भी खुद ही उड़ाई जा रही हैं। इस प्रकार से ये इंसानों की ऐसी अवस्था रही है, ये कोई आज की दौर की बात नहीं है, ये ऐसे ही सिलसिले होते आए हैं। और गुरु पीर पैगंबरों ने जो योगदान दिए और उन्हीं के साथ ऐसे सलूक ये संसार करता आया है, इसीलिए वो शायर का शेर दास ने इन पिछले 35 बरस में चंद दफ़ा दोहराया है कि शहर में उसको भी रहने के लिए घर ना मिला जिसके हाथों ने कई घर बनाए होंगे, कि इस तरह से उसको भी रहने नहीं दिया जिसने औरों को आश्रय दिए, जिन्होंने औरों के लिए ठिकाने दिए, उनको भी इस तरह से वहाँ पर टिकने नहीं दिया और उनके ऊपर जुल्म ढाए। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संतों ने हमेशा ही प्यार का मार्ग बताया है और बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी तमाम उम्र एक प्यार को ही हृदय में संजोया हुआ और प्यार ही देते चले गए, कहीं पर भी नहीं देखा कि कौन है, कहाँ से आया है, हमेशा ही अपना मानकर हर किसी को प्यार ही दिया। और एक ऐसी विशालता और क्षमाशीलता कि ऐसी एक उदाहरणें वो सामने देखने को मिली हैं, ऐसी विशालता हृदय की ये देखने को मिली है। और एक कर्म के क्षेत्र में रहकर जहाँ पर आज भी महापुरुषों ने अपने विचारों, अपनी कविताओं, अपने व्याख्यानों के द्वारा, और अभी आपने वो दृश्य भी देखे, किस तरह से देखा कि हर कार्य हाथों से कर रहे हैं और कहीं पर भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, और मिशन के एक एक पाई को सही मायनों में उसका उपयोग हो, उसके लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े वो कर रहे हैं, गाड़ियां पुरानी लेकर उन्हीं को मरम्मत करके प्रचार प्रसार के लिए उनका फिर इस्तेमाल होना और ख़ुद भी ऐसी गाड़ियों में ही सफ़र करना, और किस प्रकार से संतों के लिए भवनों के रूप वो भी बनते चले गए, कहाँ कहाँ देश के किन किन इलाकों में जा जाकर और एक ही अकेली गाड़ी घूम रही है, ऐसे सड़कें और
कई दफ़ा रात रात भर सड़कों पे भी बिताने को मिला। आज के दौर में जब हम कंपेयर करते हैं तो आज तो दास भी जाता है तो कितनी गाड़ियां साथ, कितनी सहूलतें, लेकिन उनका जो जीवन का सफ़र रहा है, किस तरह से ऐसे ऐसे स्थानों पर भ्रमण किए हैं, केवल एक ही गाड़ी कहीं पर ब्रेक डाउन हो जाए, उसके लिए कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं, इस तरह से उन्होंने कैसे तप त्याग से युक्त होकर ये सत्य का प्रचार जगह जगह पर जाकर किया। और राजमाता जी ने कदम से कदम मिलाकर हर उस पहलू, हर इस दौर, कैसे कैसे दौर आए, कैसे कैसे पड़ाव आए, कैसी कैसी यात्राएं हुई, कैसे कैसे सत्य को, पैगाम को जन जन तक पहुंचाया गया, उसमें पूरी तरह से राजमाता जी कंधे से कंधा मिलाकर बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ चलते चले गए। और इस तरह से देश की हदों से बाहर भी कदम रखा बाबा गुरबचन सिंह जी ने, और ये सत्य का पैगाम यूके, इंग्लैंड, यूरोप में पहुंचाया। और वो भी यात्राएं जो आरंभ की, वो भी बाय रोड, जैसे आपने सुना और देखा और अक्सर आप सुनते रहते हैं कि कहाँ पर अफगानिस्तान या तहरान से गाड़ी लेकर और इंग्लैंड तक बाय रोड जाना, बीच में कितनी कितनी दिक्कतें, कितने कितने वीज़ा और कितनी कितनी ऐसी कठिनाइयाँ, और उस वक़्त भी क्या हवाई जहाज़ नहीं चलते थे, उस वक्त भी हवाई जहाज़ चलते थे, लेकिन उन्होंने आरंभ यहीं से किया कि जितनी सीमित सा हमारे पास साधन है मिशन के पास, और उसी रूप में उसको इस्तेमाल किया, चाहे शरीर को कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और राजमाता जी भी आपने उनकी ज़ुबान से भी पीछे भी सुना और डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी उनके इंटरव्यूज़ दिखाए गए कि किस तरह से रास्ते में कितने कितने खाने के पदार्थ भी ऐसे नहीं मिलने, और सीमित से साधन केवल ब्रेड और ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा लिया या जैम लगा लिया, यही रास्ते में रोज़ का खाना हो जाना। तो इस प्रकार से कितने कितने तप त्याग ये हुए हैं इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ये मिशन की आवाज़ बुलंद करने के लिए, कितने कितने महापुरुषों ने शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी का भी साथ दिया, बाबा गुरबचन सिंह जी का भी इस तरह से सहयोग देते चले गए, कितनी कितनी बहनें, माताएं इस सत्य के प्रचार में लगी रहीं। और इन बलिदानों और कुर्बानियों में भी बहनों ने भी ऐसी कुर्बानियां दी जहां पर मुतसपन से युक्त ऐसे लोग इस तरह से जुल्म व सितम करते चले गए। तो इस प्रकार से ये एक योगदान, ये कहीं पर भी इसका कर्ज चुकाया नहीं जा सकता है। और वो शिक्षाएं कैसी कैसी बाबा गुरबचन सिंह जी ने दी, और कैसे कैसे उदाहरण अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत किए, सामाजिक पहलुओं का भी अभी आपने जिक्र सुना है कि समाज में हम विचरण करते हैं, पारिवारिक ढांचे में हम विचरण करते हैं, तो हमारे पारिवारिक ढांचे में और उसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ वो किस प्रकार से हमने निभानी हैं, और कैसी कैसी ऐसी कुरीतियाँ हैं जो समाज के लिए अभिशाप बनते हैं, परिवारों के लिए अभिशाप बनते हैं, पारिवारिक ढांचे को शिथिल करते हैं, संबंधों में दरारें लाते हैं, तो वो भी एक सामाजिक दृष्टि से उससे भी बाज आने के लिए, जिसको हम नशा कह दें, या सामाजिक दृष्टि से जो एक शादी विवाह के अवसर पर दूसरे के ऊपर खाम खा के बोझ एक बेटी वालों के ऊपर डालने और एक लोभ लालच से युक्त होकर उनसे उन पे ऐसे दबाव डालने, तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक रूप में भी ऐसी ऐसी मिसालें भी दी और ये शिक्षाएं भी दी, ऐसे फैसले भी लिए, और फैसले
उसको सुनाए भी कि हम तमाम जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, संसार क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है, उनको तो हम शिक्षाएं और उनको तो ये पैगाम देते आए हैं और देते भी रहेंगे, लेकिन कम से कम जिन्होंने ये ज्ञान की दात को पाया है, जो सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, वो भी सामाजिक दृष्टि से उनका भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। नशे से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। ये नशे के जो ऐसा अभिशाप है, इससे हमने अवश्य अपने दामन को बचाना है। और इस तरह से उन्होंने हमारे ही भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए ऐसी ऐसी हमें एक पैगाम और संदेश दिए और उन उसूलों को कायम किया और उसूल कायम किए ताकि उसके ऊपर चला जाए। तो ज़रूरत है आज जब उनके नश्वर शरीर की आँखों से ओझल हो जाने के बाद 35 बरस और बीत गए और हम अवश्य इन पहलुओं की तरफ और ज़्यादा संजीदा होंगे। कहीं पर भी कोई भी ऐसी कमज़ोरी जहन में हमारे है तो उसको हम अपने जहन से बाहर निकालेंगे, अपने मन में उसको कोई स्थान ना देंगे और इन तमाम नशे इत्यादि सिलसिलों से हम अपने दामन को बचाकर कहीं किसी को मौके और अवसर नहीं देंगे कि मिशन की तरफ ऐसी एक कोई भी उंगली उठाई जा सके और साथ ही साथ एक ऐसी मिसालें मिलवर्तन की हम कायम करेंगे, जो मिलवर्तन भाईचारा हम संसार से उम्मीद कर रहे हैं, जिसके लिए इतने संदेश, इतने जतन और इतनी तप त्याग और बलिदान और कुर्बानियां दी गई हैं, उन्हीं मिलवर्तन को हमने भी मजबूत करना है। एक आपस में भी हमारे ऐसे मधुर संबंध, हमारे मन में भी विनम्रता का भाव, हमारे भी हृदय की विशालता, हमारी भी सहनशीलता, ये सब प्रमाणित हो हमारे इस व्यवहार के रूप में। तो यही एक आज के दिवस के ऊपर ऐसी ही एक प्रार्थना अरदास की जा रही है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सबको ऐसी तौफीक शक्ति दे, ऐसी सामर्था प्रदान करे ताकि जो भी योगदान ऐसे दिए गए हैं, जो भी कुर्बानियां बलिदान दिए गए हैं, जो भी संदेश जो दिए गए हैं, उसके ऊपर हम अमल के रूप में फूल चढ़ाते चले जाएं, केवल दिवस मनाने या जय जयकारों से ये साबित नहीं होता है कि उसके ऊपर हमने ये श्रद्धा के फूल चढ़ाए हैं। वास्तविकता में श्रद्धा के फूल चढ़ाने का जो रूप होता है, वो रूप होता है जब हम उसको सही मायनों में अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसको जीवन में ढाल लेते हैं और उसी के अनुसार हम इस जीवन के सफ़र को हम तय करते हैं। तो आओ साध संगत, आज मानव एकता दिवस के रूप में आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, जहाँ पर ऐसे ऐसे योगदान लगातार दिए जा रहे हैं, जहाँ पर सत्संग भी महापुरुष कर रहे हैं, सेवा में भी योगदान दे रहे हैं, कितने कितने उपकार हो रहे हैं। आज भी ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर इस तरह से एक आयोजन जो हुआ, उसमें योगदान दिए गए और केवल यही नहीं, देश भर में कितने ही स्थानों के ऊपर, और केवल देश भर में नहीं, विश्व के अनेकों मुल्कों में यही रक्त का महान दान दिया गया और अरसे से दिया जा रहा है। और फिर से वही जिक्र भी आता है और ध्यान भी जाता है कि इधर रक्त दिया जा रहा है जानों को बचाने के लिए और उधर रक्त बहाए जाते हैं जाने लेकर। इस तरह से ये संसार
और भक्तों का मार्ग जो भिन्न भिन्न है, ये कर्म ही प्रकट कर रहा है, सोच ही प्रकट कर रही है और करती आई है, भावनाएं ही ये प्रकट करती आई हैं कि वास्तविकता में सही मायनों में धर्मी और भक्त कौन है, और कौन है जो धर्म के लबादे तो ओढ़ते हैं लेकिन धर्म को कलंकित करते हैं। तो ये सब सामने होता है, और वही आज भक्तजन भी अपना रूप सबके समक्ष रख रहे हैं, ऐसे ऐसे योगदान देकर, समाज की सेवा करके, मानव की सेवा करके, कितने कितने रूपों में भक्तजन अपने योगदान दे रहे हैं। तो अब साध संगत, यही एक अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करे, सबको ऐसी तौफीक शक्ति प्रदान करे, ताकि जो जो भी योगदान समय समय के ऊपर जो हुए हैं, हम उसको उस रूप में लेते चले जाएं, और इस तरह से ये सत्य को और फैलाव देते चले जाएं, ये मानवता इंसानियत को और मजबूत करते चले जाएं, और एकता के सूत्र में खुद भी बंध कर और संसार को भी, जिसको हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं, जो हम वननेस और हार्मनी का जो लगातार जिक्र हो रहा है, इस तरह से ये चारों तरफ ऐसी ही एकता, ऐसी ही यूनिटी, ऐसी ही वननेस, ऐसा ही एकत्व ये स्थापित होता चला जाए, यही एक प्रार्थना, यही अरदास, यही शुभकामना। और फिर से नतमस्तक ऐसे बलिदानों के लिए जो लगातार दिए गए, कितने कितने महापुरुषों ने ऐसे बलिदान दिए और उनके परिवारों ने भी उसी दौरों में से गुज़रकर फिर भी अपने अकीदे विश्वासों को कायम रखा, समाज ने, परिवारों ने उनको कितना डुलायमान करने की कोशिशें की, लेकिन परिवार वाले अपनी जगह पर चट्टान की तरह कायम रहे, और इस तरह की उनकी मजबूती देखकर और भी जो कमज़ोर कहीं पर हृदय हो रहे थे उनको भी मजबूती मिली कि इनके ही परिवार में घटना घटी है और ये कितनी अडोलता और अडिगता के साथ कायम है, गुरु के ऊपर विश्वास फिर भी कायम है। उन्हीं परिवारों के ऐसी मजबूती देखकर और जिनके पास साथ सीधा कोई प्रभाव ना था लेकिन फिर भी कमज़ोर दिल हो रहे थे, उनको भी मजबूती उन परिवारों के विश्वासों ने दी। तो ऐसे परिवारों और ऐसे बलिदानी महापुरुषों के लिए हमेशा ही हम कृतज्ञता का भाव रखें अपने मन में, एक हमारे मन में हमेशा वो कदर बनी रहे और हम उसी के ऊपर खुद भी संजीदा रहें, और इस तरह से हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। साध संगत जी, धन्य का। तेरी ओट सहारा, तेरा तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, दाता बख्शनहार तू है, दाता बख्शनहार।
कर